सो चलिए देखिएगा, यहाँ पर आज देखने वाले हैं जो क्लास नाइन्थ की जो क्लास जो नाइन्थ का जो फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो देखने वाले हैं कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होती है हमारे किस तरह की स्ट्रक्चर होती है एटम की, और ये पहले देखेंगे कि जो एटम होता है वो हमारा कहाँ से आता है, कैसे पता चलता है कि ये क्या होता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो एटम के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दी है उसके बारे में देखेंगे, राइट, और भी देखेंगे सारी चीज़ें। तो देखिएगा यहाँ पर चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एटम क्या होते हैं। तो देखिएगा ये हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, तो इन्होंने कहा कि कोई भी यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में कोई भी जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसे इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, राइट। तो देखिएगा इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसी थ्योरी में उन्होंने भी यही बताया कि कोई भी मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनता है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, एटम नाम दिया था, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर डाल्टन थे, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था, और एटम के बारे में क्या बताया था कि जो एटम्स होते हैं, इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसका नाम इन्होंने एटम दिया। और एटम इज नॉट डिविजिबल, मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो हमारा क्या होता है, एटम होता है, और एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम ही इतना छोटा पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोई भी मैटर होता है जैसे ये मार्कर है, इसको डिवाइड करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे, तो ये क्या है, मैटर है, इसको डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे, जब डिवाइड करना बंद हो जाएगा उस छोटे से पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, एटम दिया गया। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया था, सो देखिएगा यहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिएगा इन्होंने जो थ्योरी में तो कहा था एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो पहला पॉइंट था कि एटम इज इंडिविजिबल। सो देखिएगा जो एटम होता है, इन्होंने क्या कहा पहला पॉइंट, कि जो एटम होता है इंडिविजुअल होता है, मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, राइट। जितने जो भी मैटर्स होते हैं ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी मैटर दिख रहे हैं, सारे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनते हैं, और उन्हीं को क्या नाम दिया गया, एटम दिया गया, और एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो देखिएगा अगला जो पॉइंट था, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड और नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो देखिएगा ना अगला पॉइंट क्या कहा, कि जो एटम होते हैं ना तो इनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी कह रहे हैं कि जब एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, तो इस समय कह रहा है कि जो एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नए, और ना ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या था, अगला पॉइंट था। और देखिएगा इसके बाद इन्होंने क्या कहा, तीसरा जो पॉइंट है, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो एटम होते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर इन मास एंड साइज। देखिएगा इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट होता है, अच्छा एलिमेंट क्या होते हैं, हमने देखिएगा पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जो एलिमेंट होते हैं वो जो हमारे मैटर होते हैं, तो मैटर हमारे क्या होते हैं, प्योर के फॉर्म में होते हैं एक, और एक होता है प्योर। तो प्योर में हमारे कौन कौन आते हैं, एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आते हैं, तो ये एलिमेंट भी एक मैटर है। तो एलिमेंट कह रहे हैं कि जितने भी कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं, तो उस एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे, सारे एटम का जो मास होगा और हमारा जो साइज है वो कैसा होगा, आइडेंटिकल और सिमिलर, मतलब सेम होगा, डिफरेंट नहीं होंगे, एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे सारे एटम का मास सिमिलर होगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन
मास एंड साइज। तो देखिएगा इन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, अलग अलग कोई एलिमेंट लेते हैं, तो उनके जो एटम होंगे, उनके एटमिक जो एटम के मास होंगे और साइज होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बट अगर एक ही एलिमेंट लेते हैं और उसके जितने भी सारे एटम होंगे, सबका मास कैसा होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके मास डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे, राइट। तो अगला था जो पॉइंट, इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं, एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। और ये बताया था कि जो एटम होते हैं ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड करके मतलब कंपाउंड बनाते हैं, राइट। सो देखिएगा ये इनका था पॉइंट। लेकिन इनकी जो थ्योरी, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट और कोई भी एलिमेंट होता है उसके सारे एटम क्या होते हैं, सारे एटम का मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट ये थ्योरी इनकी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी, तो देखिएगा इनके कुछ ड्रॉबैक हैं तो मैं बता दूँ। तो देखिएगा जब इन्होंने कहा कि जो जितने भी इनकी इनके समय में क्या था कि इन्होंने जब प्रूव किया था, तो यहाँ ने इन्होंने थ्योरी में बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उस एलिमेंट में सारे एटम का मास क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन जब हमारे इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए 19th सेंचुरी के एंड में, बहुत सारे साइंटिस्टों ने जब स्टडी किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूफ हुआ कि जितने भी कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम जो होंगे, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर, सो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या था, सो देखिएगा यहाँ पर क्या था कि जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी तो इनके में कुछ डिफेक्ट थे। तो क्या थे, पहला डिफेक्ट था कि जो इन्होंने कहा था, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जितने भी कोई भी एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सारे एटम का मास जो होगा वो सिमिलर होता है। बट क्या हुआ कि जब हमारे आइसोटॉप्स और आइसोबार की जब डिस्कवरी हो गई तो इनकी बात क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। कैसे हो गई कि देखिएगा जब आइसोबार आइसोटॉप की डिस्कवरी हो गई तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप जो होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी, जिनके सिमिलर एटॉमिक मास, देखिएगा सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नॉन एज आइसोटॉप्स। तो देखिएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटॉप। सो देख लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जैसे 1H1, इसको प्रोटियम बोलते हैं, ये हमारा क्या प्रोटियम है। सेकंड जो है 1H2, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं। ट्राइटियम होता है तीसरा, 1H3 है, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और ये हमारा एक रेडियो एक्टिव भी होता है, रेडियो एक्टिव, राइट। सो देखिएगा इनके जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई तो इनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मास नंबर देखिएगा ये लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, तो मास नंबर क्या है, देखिए आइसोटॉप जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट के होंगे, एक ही एलिमेंट होगा और एक ही एलिमेंट के देखिएगा जो एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके मास तो डिफरेंट हैं, एटम क्या है, डिफरेंट मास हैं। देखो हाइड्रोजन प्रोटियम का इसका मास 1 है, इसका जो ड्यूटेरियम इसका मास 2 है और इसका मास 3 है। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम हैं उनके मास तो डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। तो इनकी बात क्या हो गई, सिद्ध, जो इन्होंने कहा था कि जो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सबके मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये बात गलत हो गई, राइट। तो इस तरह से जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई तो ये बात गलत हो गई। और इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल है, बट ये भी बात गलत सिद्ध हो गई। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई तो ये बात क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो हमारा एटम होता है, एटम को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल है, डिवाइड कर सकते हैं, और इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, सो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चर जो होती है वो किन से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बनती है, राइट। सो चलिए देखिएगा यहाँ पर, सो देखिएगा सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कैथोड रे जो होती हैं, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा एटम होता है, एटम की स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होती है, तो इनकी डिस्कवरी देखेंगे कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले देखेंगे कैथोड रे। अच्छा देखिएगा, ये कैथोड रे जो हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो विलियम क्रुक्स थे, ये अपने क्या कर रहे थे, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब में देखिएगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से, ये ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पर ये ग्लास का एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिएगा सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। इस सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में क्या किया, इन्होंने दो प्लेट लगाई, एक कैथोड की प्लेट थी और एक अदर साइड जो थी एक एनोड की प्लेट थी, ये हमारी एनोड की प्लेट थी, और इन्होंने यहाँ पर वैक्यूम लगाया इस तरह से, यहाँ पर इन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर किया, हाई वोल्टेज लगभग यहाँ पर था, हाई वोल्टेज ये था लगभग 10,000 वोल्ट एंड वेरी लो प्रेशर था, लो प्रेशर लगभग 0.01 मिलीमीटर, लगभग 0.01 मिलीमीटर HG के अराउंड। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो विलियम क्रुक्स थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया कि देखिएगा, जब इन्होंने क्या किया कि हाई वोल्टेज एंड लगभग 1000 वोल्टेज पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो क्या हुआ, एंड यहाँ पर क्या था कि लो लगभग अराउंड था इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के लगभग था और 1000 के लगभग यहाँ पर इन्होंने वोल्टेज लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जब इन्होंने प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई होने की वजह से जो था यहाँ पर हमारी जो गैस होती हैं, जो हमारी गैस क्या होती हैं, क्या नाम, कंडक्टर, बैड कंडक्टर होती हैं, तो इस तरह से इन्होंने क्या हुआ कि जब यहाँ पर प्रेशर हाई था तो गैस जो प्रेशर डाल रही थी, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल थे, तो प्रेशर हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया कि इसके बाद फिर क्या किया, इन्होंने लो प्रेशर कर दिया, तो लो प्रेशर पे देखा कि जो लो प्रेशर पे हम जानते हैं, लो प्रेशर पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, तो इससे पता चला कि ये जो लो प्रेशर की वजह से गैस हमारी जो होती है गुड कंडक्टर होती हैं। तो इन्होंने वेरी लो प्रेशर क्या किया, यहाँ पर वेरी लो प्रेशर पे रहें एंड हाई वोल्टेज पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई, तो यहाँ से क्या हुआ कि कैथोड से इनविजिबल रे निकल रही थी, जो कि यहाँ पर देखिएगा जो इनविजिबल रे निकल रही थी, जो कैथोड की सामने की प्लेट थी, यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी इस तरह से यहाँ पर, तो ये ग्लो थी जो फ्लोरसेंस बोलते हैं, ग्रीन ग्लो निकल रही थी, ग्रीन ग्लो, जो कि यहाँ पर जो सरफेस थी, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की इन्होंने क्या की थी, कोट कर दिया था, कोटेड थी ये जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड हमारी फ्लोरसेंट सरफेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रे डालने पर ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी। तो इस तरह से ये इनविजिबल रे का नाम दिया गया कैथोड रे, क्या नाम दिया गया, कैथोड रे नियम दिया गया, और ये कैथोड रे थी, तो ये हमारी जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, जिनको निगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से हमारे सर जे जे थॉम्सन ने इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कैथोड रे में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, सो इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये हमारी कौन सी रे हैं, कैथोड रे हैं, और कैथोड रे ये कैसी हैं, इनविजिबल हैं, और पता कहाँ चलेगा, यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुई तो पता किया गया कि जो यहाँ पर जो ग्लो प्रोड्यूस हो रही है वो कैथोड से रे निकल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लो क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, और ये हमारी जो कैथोड रे होती हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, और इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया था हमारे सर जे जे थॉम्सन ने दिया था, राइट। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, कैथोड रे और इनके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। सो देखिएगा यहाँ पर
अब ये कैथोड रे जो होती है इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सो देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड रेज की, तो जो कैथोड रेज होती हैं तो कहते हैं कैथोड रेज ट्रेवल एंड स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल एंड स्ट्रेट लाइन। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की क्या है कि जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो देखिएगा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले कि जो कैथोड रेज होती हैं ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल करती हैं सीधी रेखा। कैसे पता चला, तो देखिएगा जब कैथोड रे के सामने इन्होंने क्या किया, ये कैथोड रे डाली इन्होंने, तो कैथोड रे के सामने इन्होंने क्या किया, एक लाइट इन्होंने व्हील रख दिया। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने इस तरह से क्या किया, यहाँ पर देखिएगा एक हल्का सा इन्होंने क्या किया इसको इस तरह से। तो जब इन्होंने कैथोड रे डाली इस पर, तो इसकी क्या हो रही थी, ये जब कैथोड रे डाली तो इन्होंने इस पर इसकी शैडो बनाई, जस्ट इसके सामने बनी इसकी शैडो। तो इस तरह इससे प्रूफ हुआ कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज होती हैं ये हमारी क्या है, शैडो है। तो जब इसके जस्ट सामने शैडो बनी तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि कैथोड रे जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, राइट। तो इस तरह से फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रे जो होती हैं ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, राइट। सो अगला जो है देखिएगा, अगली जो प्रॉपर्टीज है हमारी जो कैथोड रेज होती हैं, तो देखिएगा कैथोड रेज हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मास। सो जो देखिएगा सेकंड जो प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मास, काइनेटिक एनर्जी एंड मास। तो देखिएगा जब कैथोड रेज होती है इनमें मास भी होता है और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे पता चला, तो देखिएगा जब इन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज के सामने जब इन्होंने कैथोड रे डाली और एक हल्का सा पहिया व्हील रख दिया, ये व्हील ही है मान लीजिए, पहिया था इस तरह से, इन्होंने पहिया रखा तो इस पहिया ये व्हील को क्या कर दिया इन्होंने इस तरह से, जब कैथोड रे डाली गई तो इस व्हील को इन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया। यहाँ पर देखिएगा ये रोटेट करने लगा, तो इससे प्रूफ हो रहा है ये रोटेट करने लगा था इस तरह से, ये क्या करने लगा इस तरह से, ये रोटेट करने लगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जब कैथोड रे डालते हैं तो ये क्या कर देती हैं, जब कैथोड रे डाली तो इनमें मास भी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो इसे रोटेट कर पाएंगी। तो इससे प्रूफ हो गया कि कैथोड रे जो होती हैं कि इनमें मास भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर जो अगला प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, सो अगली प्रॉपर्टीज जो होती है कैथोड रे जो होती हैं इनके पास पेंटेटिंग की भी पावर होती है कि पेंटेट कर देती हैं एल्युमिनियम की जो थिन सीट होती हैं उनको क्या कर देती हैं, और भी कुछ इस तरह की जो मेटल्स होते हैं उनको पेंटेट करती हैं, तो पेंटेटिंग की भी पावर होती है। सो अगली जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज हैव पेंट्रेटिंग इफेक्ट, पेंट्रेटिंग इफेक्ट। तो कैथोड रे जो होती है इनके पास पेंट्रेटिंग का इफेक्ट भी होता है, पेंट्रेट भी कर जाती हैं एल्युमिनियम थिन सीट होती है जो कोई भी मेटल होता है जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम की मेटल जो होती हैं इनकी थिन सीट को ये क्या कर जाती हैं, पेंट्रेट कर जाती हैं, मतलब भेद देती हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या क्या होती हैं, सो देखिएगा यहाँ पर जो है अगली प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज कॉज फ्लोरसेंस। तो देखिएगा यहाँ पर कैथोड रेज होती है ये हमारी फ्लोरसेंस क्या होता है, ग्लो। तो कैथोड रेज के पास पावर होता है कि ये ग्लो भी प्रोड्यूस करती हैं, इस तरह से ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज होती है। और देखिएगा यहाँ पर क्या है, अच्छा जो कैथोड रेज होती हैं ये मेटल की सरफेस जब गिरती हैं तो उसको क्या कर देती हैं, हॉट कर देती हैं, मतलब हीट भी प्रोड्यूस करती है, इससे पता चलता है। तो कैथोड रेज जो भी होती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सो देखिएगा यहाँ पर
कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो कैथोड रेज होती हैं, किसी भी मेटल की सरफेस पे गिरती हैं तो क्या करती हैं, हीट जनरेट करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हमारी क्या हैं कि कैथोड रेज होती हैं, हीट को भी प्रोड्यूस करती हैं, राइट। अगला है कि और क्या क्या होते हैं, अगली है जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे। अच्छा, जो भी कैथोड रेज होती है क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सरे भी प्रोड्यूस करते हैं। जो हाई मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस पे जब गिरती हैं तो यहाँ पर देखिएगा कैथोड रेज, इनके पास प्रॉपर्टीज होती है कि कैथोड रे एक्सरे भी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये क्या है, कैथोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। सो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हो गई, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, सो देखिए इसका जो सिंबल होता है -1, -E0 इस तरह से डिनोट करते हैं, और ई माइनस से भी डिनोट करते हैं, ई माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो देखिएगा इस डिस्कवरी जो की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ये की थी हमारे जे जे थॉमसन इन लगभग 1897 के अराउंड, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, राइट। और क्या क्या होते हैं, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग, ये होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगला है चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है लगभग होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, कूलाम को सी से डिनोट करते हैं, और ये माइनस का नेगेटिव भी चार्ज होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना होता है, राइट। अगला है कि जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया डिस्कवरी हो गई, तो ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की यहाँ पर डिस्कवरी की गई थी, ये मिल्कन थे, मिल्कन ने की थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की डिस्कवरी की थी, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा एक रेशियो होता है, ये हमारे सर जे.जे. थॉमसन ने बताया था कि जो ई अपॉन एम होता है ये लगभग माइनस के 1.75 के लगभग × 10⁻¹¹ ग्राम के लगभग होता है। यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ निकाल भी सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो चार्ज होता है, चार्ज होता है हमारा कितना इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ होता है। तो ये लगभग किलोग्राम में है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 28 ग्राम होगा, राइट, कूलाम पर ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो लगभग आता है −1.75 × 10⁻¹⁹ कूलाम पर ग्राम के लगभग आता है, राइट। सो देख लीजिएगा इसका ये हमारा क्या होता है, E अपॉन K m का रेशियो होता है यहाँ पर। सो देखिएगा यहाँ पर